नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस सबसे पहले झारखंड में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, इसके बाद रांची से झामुमो अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। हालांकि दुमका सीट की दावेदारी किसकी होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद दुमका सीट पर उनकी दावेदारी मानी जा रही है। एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भाजपा 3 सीटों पर अब भी फैसला ले रही है, जबकि महागठबंधन ने अब तक किसी भी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब सवाल है कि मामला फंस कहां रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और वामदल ने मिलकर अब तक सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया है। सीट बंटवारे में हो रही देरी में कांग्रेस, जेएमएम के निचले स्तर के पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज है। ऐसे में उम्मीदवारों के प्रचार को लेकर समय कम मिलेगा, इसका असर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर पड़ सकता है। सीट बंटवारे को लेकर कई तरह के फॉर्मूलों पर चर्चा है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने जिस फॉर्मूले का जिक्र किया, वह झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव और 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। राजद और माले को 1 सीट मिलेगी। इस फॉर्मूले पर अभी आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। चर्चा है कि सीट बंटवारे को लेकर पलामू की दावेदारी में सत्यानंद भोक्ता अड़े हैं। राजद की हिस्सेदारी कितनी होगी, इसे लेकर भी चर्चा जारी है। राजद पलामू सीट पर दावा पेश कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।